कुर्ता तो सभी ने देखा होगा, कौन पहनता है कुर्ता? बड़ा लोग पहनते हैं, लंबा होता है कमीज से, और चांद का मतलब होता है चंद्रमा जो ऊपर आसमान में निकलता है रात को, ठीक है। तो इसमें क्या है, कविता में ठंड का मौसम है, ठंड आ गई है और चंद्रमा ये कह रहा है कि माँ मुझको बहुत ठंड लगती है रात को, जब मैं घूमता हूँ तो मुझको एक ऊन का मोटा सा झिंगोला सिलवा दीजिए। झिंगोला का मतलब है एक मोटा कपड़ा, ठीक है। तो उस कविता को हम पढ़ेंगे और गतिविधि के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तैयार है सभी लोग? चलिए क्लैप करिएगा। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। संग संग चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ही कोई भाड़े का, अगर मैं हो तो लाओ कुर्ता कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने सलोने, बच्चे की सुन बात कहा माँ ताले अरे सलोने, बच्चे की सुने बात कहा माँ अरे सलोने, उसल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, बढ़ता रोज किसी दिन तू ऐसा करता है, ऐसा करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है, अब तू ही तो बता
नाप तेरी किस रोज दिलाए। किसी दिन दिवाए सीधे एक झिमोला जो हर रोज बदन में आए। सीधे एक झिमोला जो हर रोज बदन में आए। किसने सिलवाने के लिए कहा? चांद ने। किससे कहा था? क्यों कहा था भाई? ठंड लगने लगी थी। कैसे सुकुड़ता था वो रात को? ऐसे सुकुड़ता था। वेरी गुड, क्लैप करिएगा।